नमस्कार, स्वागत है आपका टी टाइम बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं खबरों की। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की परेशानी बढ़ा दी है। सरकारी तेल कंपनियों ने आज फिर देश के सभी शहरों में ईंधन के दाम में इजाफा कर दिया है। आज पेट्रोल 26 से 30 पैसे वहीं डीजल 28 से 31 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। इस बढ़ोतरी के बाद राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 94 रुपए प्रति लीटर के करीब पहुंच गया है। बता दें कि पेट्रोल डीजल की कीमत में चुनाव के बाद से ही लगातार रुक रुक कर बढ़ोतरी हो रही है, जिससे इसके रेट ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए हैं। मई महीने में कई किस्तों पर में फ्यूल के प्राइस बढ़ाए गए हैं। वहीं चुनाव के बाद ठहर ठहर कर 16 दिनों में ही पेट्रोल 3.59 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है। वहीं डीजल 4.13 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रोजाना सुबह 6 बजे बदलाव होता है। सुबह 6 बजे से ही नई दरें लागू हो जाती हैं। पेट्रोल डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीजें जोड़ने के बाद इसका दाम लगभग दोगुना हो जाता है। विदेशी मुद्रा दरों के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमतें क्या हैं, इस आधार पर रोज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। तो इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, शहबाज खान। तो शहबाज जी, क्या कुछ कहना, जिस तरीके से लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। जी प्रिया, बताना चाहूंगा कि लगातार जो पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें जो लगातार देखने को मिल रही हैं, वो कहीं ना कहीं ये चुनाव के बाद से ये प्रक्रिया लगातार चालू है। आए दिन आम आदमी के लिए, जब आम आदमी सो के उठता है सुबह 6 बजे, देखता है कि पेट्रोल डीजल के जो दाम है वो कहीं ना कहीं बढ़ चुके हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये रहा कि केंद्र सरकार ने जो चुनाव के दौरान तो पेट्रोल डीजल की कीमतों में जो इजाफा होता है वो नहीं किया, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका असर जो है चुनाव पर पड़ सकता था। क्योंकि आपको बताना चाहूंगा कि 5 राज्यों के चुनाव के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी पंचायत चुनाव चल रहे थे, तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार बढ़ते डीजल पेट्रोल के दामों को बढ़ा नहीं रही थी, क्योंकि उसको पता था, कोई भी सरकार होती उसको साफ पता होता है कि पेट्रोल डीजल का जो असर होता है वो कहीं ना कहीं आम जनता से सीधा रिलेट करती है, जिस वजह से पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़े थे। लेकिन आप देख रही होंगी कि जब से ये चुनाव खत्म हुए हैं, उसके बाद से लगातार पेट्रोल डीजल के जो दाम है वो बढ़ रहे हैं। क्या कुछ कहना, जिस तरीके से एक तरफ लॉकडाउन है, कोरोना के चलते लोग परेशान हैं, उनका जो अगर व्यवसाय की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं रुका पड़ा है, तो ऐसे में जो कीमतें हैं लगातार पेट्रोल डीजल की वो बढ़ती जा रही हैं, ऐसे में सवाल ये है कि लोग अपने घरों से निकलना जिस तरीके से कम कर दिए हैं, लेकिन जो बढ़ रहे हैं रेट, इसको लेकर क्या कुछ कहना है आपका? जी, कहीं ना कहीं देखिए, लॉकडाउन के चलते लोगों को तो एक मार वैसे ही लगी है, चाहे वो नौकरियों की बात करें, चाहे वो व्यापारियों की बात करें, या फिर किसी भी आय वर्ग या मध्यम वर्ग की कहीं किसी की भी बात करें, हर किसी को लॉकडाउन ने चोट पहुंचाई है। तो वहीं दूसरी तरफ कहीं ना कहीं सरकार को भी बहुत बड़ा नुकसान होता है फैक्ट्रियों के बंद होने से और परिवहन के बंद होने से, पर्यटन के बंद होने से, कहीं ना कहीं सरकार को भी जो उसका है वो असर बहुत पड़ता है। तो सरकार भी चाहती है कि कहीं ना कहीं ऐसी जगह से राजस्व वसूला जाए जिससे उसका खर्चा जो है वो चल सके, चाहे वो पेट्रोल डीजल की बात करें, चाहे फिर उत्तर प्रदेश सरकार में, चाहे वो शराब की जो दुकानें थी वो खोलने की बात करें। तो पेट्रोल डीजल का जो राजस्व आता है उससे सरकार जो है वो अपना खर्चे चलाने के लिए जो कहती है कि हम जो डीजल और पेट्रोल में रेट में इसलिए कटौती नहीं करेंगे क्योंकि उनका राजस्व का बहुत बड़ा नुकसान होगा, और कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल का जो एक बहुत बड़ा राजस्व आता है वो सरकार को चलाने में बहुत कारगर साबित होता है, इसलिए लगातार पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं वो बढ़ रही हैं। और मई में आपको बताना चाहूंगा कि मई में कम से कम, अभी मई खत्म भी नहीं हुआ है, और 14 से 15 बार जो डीजल पेट्रोल के दाम है वो बढ़ चुके हैं। और एक कारण और भी बताना चाहूंगा कि पेट्रोल डीजल पे वैट की बात करें तो कोई भी सरकार जो है टैक्स, चाहे वो केंद्र सरकार हो और चाहे वो राज्य सरकारें हो, वो दोनों अलग अलग टैक्स जो है वसूलती हैं, तब जाकर ये जो पेट्रोल और डीजल की अगर कीमत की बात करें तो पेट्रोल और डीजल की कीमत जो होती है वो दोगुनी हो जाती है। पेट्रोल और डीजल की अगर टैक्स और ये सब वैट हटा दिया जाए, अगर केंद्र और राज्य सरकारें अपना जो टैक्स है वो हटा दें, तो पेट्रोल की जो कुल कीमत बचती है वो 27 रुपए प्रति लीटर बचती है, और टैक्स और ये सब वैट टैक्स जो लगते हैं उसके बाद पेट्रोल जो है आज लखनऊ, राजधानी लखनऊ की बात करें तो वो 91 है, और अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में पेट्रोल 100 रुपए के पार हो गया है,
वहीं मध्य प्रदेश में भी पेट्रोल 101 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। बंबई जैसे महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र की बात करें तो वहां भी पेट्रोल 97 से 99 रुपए के बीच में है, डीजल भी इसी रेट में बिक रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो पेट्रोल और डीजल की जो मार है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पर असर जरूर डालती है, क्योंकि हर आदमी जो है उसको डीजल और पेट्रोल की रोजाना जरूरत है। ये ऐसी चीजें हैं जो हमारे रोजमर्रा में काम आती हैं, और सरकार भी चाहती है कि जो जिन चीजों की रेगुलर यूज होती है, जो चीज रेगुलर यूज करते जो आम आदमी जिससे सीधा असर पड़ता है उसी पर ही वैट और टैक्स वसूलती है, उन्हीं चीजों को खोलती भी है। उत्तर प्रदेश सरकार की इस सरकार की जो अवहेलना भी इसी वजह से हुई थी, क्योंकि पिछले लॉकडाउन की बात करें तो सबसे पहले जो शराब की दुकानें हैं वो खोल दी गई थी, इस बार की बात करें तब भी सरकार ने शराब की दुकानों को भी राहत दे दी। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है वो राजस्व वसूलने के चक्कर में इन टैक्स का खेल सारा जो चलता है वो कहीं ना कहीं राजस्व को मजबूत करने के लिए चलता है। लॉकडाउन की वजह से सरकारों के पास जो है वो पैसे की, राजस्व की भारी कमी हो जाती है, जिस वजह से ये जो पेट्रोल और डीजल के लगातार जो दाम बढ़ रहे हैं वो सबसे बड़ा मुख्य कारण यही है। जी, जिस तरीके से शहबाज जी आपने इसको राजस्व जोड़ कर देखा कि राजस्व को बढ़ाने इस पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है, तो क्या लगता है ये कहां तक सही है कि इस तरीके से लगातार इजाफा करना उसकी कीमतों पर, इसका अगर राजस्व पर असर पड़ रहा है तो इस तरीके से दिन प्रतिदिन इजाफा करना जो कीमतें हैं उसका, उस पर आपका क्या कहना है? जी देखिए, मैं साफ तौर पर ये बताना चाहूंगा कि जिस तरह से कोई भी सरकार हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो या मध्य प्रदेश की सरकार हो, कहीं ना कहीं लॉकडाउन की वजह से या यूं कहें आंशिक कर्फ्यू, कई राज्यों में पूर्ण तरह से लॉकडाउन लगा है, कहीं आंशिक कर्फ्यू लगा है, तो जो चीजें हैं, जो फैक्ट्रियां हैं और जो होटल्स हैं, जो पर्यटन है, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ठप हो गया है, जिस वजह से सरकार की आमदनी कहीं ना कहीं रुक सी गई है। और सरकार को प्रदेश चलाने के लिए एक मोटे राजस्व की जरूरत होती है, जिस वजह से सरकार जो होती है वो देखती है कि किन किन विभागों से उसका राजस्व भर सकता है एक बार फिर से उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए। तो इसलिए जो सरकारें होती हैं वो शराब की दुकानें, पेट्रोल डीजल के दाम, गैस के दाम, इन सारी चीजों को जो है वो अन्यथा बढ़ा देती है, और जिससे आम आदमी को एक भारी चोट पहुंचती है, क्योंकि आम आदमी की रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं वो कहीं ना कहीं गैस है और क्या बोलते हैं डीजल पेट्रोल है, और कहीं ना कहीं शराब भी एक बहुत बड़ा कारण है। शराब भी आपने देखा होगा, जब उत्तर प्रदेश में शराब की दुकानें खोली गई थी तो पहले दिन ही करोड़ों का राजस्व आ गया था जी। करोड़ों का राजस्व जो है उसी पहले दिन ही आ गया था। तो कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा मुख्य कारण देखा जा रहा है कि जो पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं सरकार बैकफुट पर आ चुकी है, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे वो मध्य प्रदेश की हो, चाहे वो महाराष्ट्र की हो या कहीं की भी हो, तो सरकारें बैकफुट पे हैं, सरकारों के पास पैसा नहीं है राज्य चलाने के लिए, और दूसरी तरफ सरकार ये भी कहती है कि उसके पास वैक्सीन भी पर्याप्त मात्रा में नहीं है। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है वो एक तरीके से आम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर रही है, क्योंकि डीजल पेट्रोल के जो दाम है वो लगातार बढ़ रहे हैं और लोगों का जीना बहुत मुश्किल हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी शहबाज खान जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जो सरकार है वो अपना राजस्व बढ़ाने के लिए किस तरह से जो कीमतें हैं उनमें इजाफा करती जाती है, चाहे वो शराब की दुकान की बात हो या फिर पेट्रोल डीजल की। आपको एक बार फिर से बता दें कि चुनाव के बाद ठहर ठहर कर 16 दिनों में ही पेट्रोल 3.59 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है। वहीं अगर डीजल की बात करें तो डीजल 4.13 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ है, और पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रोजाना सुबह 6 बजे बदलाव होता है। सुबह 6 बजे से ही नई दरें लागू हो जाती हैं, और पेट्रोल डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीजें जोड़ने के बाद इसका दाम लगभग दोगुना हो जाता है। बढ़ते अगली खबर की ओर। सोशल मीडिया के लिए केंद्र सरकार की नई गाइडलाइंस को लेकर सरकार और ट्विटर के बीच तानातनी और बढ़ती जा रही है। प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक अब तक सभी प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरफ से नियमों के मुताबिक अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, लेकिन ट्विटर ने अभी तक नियमों के मुताबिक कार्रवाई नहीं की है। सूत्रों के मुताबिक अधिकांश प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने सूचना प्रौद्योगिकी के मध्यवर्गीय दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता के नियम 2021 के अनुसार अपने मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल संपर्क व्यक्ति और शिकायत अधिकारी का विवरण इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के साथ साझा किया है। सूत्रों के मुताबिक प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कू, शेयर चैट, टेलीग्राम,
लिंक्डइन, गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप आदि ने नए नियमों की आवश्यकता के अनुसार मंत्रालय के साथ विवरण साझा भी किए हैं। सरकार के सूत्रों के मुताबिक ट्विटर अभी भी नियमों का पालन नहीं कर रहा है। कल सरकार की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया के बाद ट्विटर ने कल देर रात एक संदेश भेजा, जिसमें भारत में एक कानूनी फर्म में काम कर रहे एक वकील का नोडल संपर्क व्यक्ति और शिकायत अधिकारी के रूप में विवरण साझा किया गया था। जबकि नियमों के अनुसार महत्वपूर्ण सोशल मीडिया कंपनियों के ये नामित अधिकारी कंपनी के कर्मचारी होने चाहिए और भारत में निवासी होने चाहिए। ट्विटर ने अभी तक मुख्य अनुपालन अधिकारी का विवरण मंत्रालय को नहीं भेजा है। सरकार के सूत्रों ने यह साफ कर दिया है कि भारत में रहकर भारत के कानून के मुताबिक ही रहना होगा। अगर देश के कानून का पालन कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं करता है तो उस पर भारतीय कानून के मुताबिक कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। वहीं केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों से भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन मंगाए हैं। साथ ही गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा और पंजाब के 13 जिलों में रह रहे हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध जैसे गैर मुस्लिमों से भी नागरिकता के लिए आवेदन मांगे हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकता कानून 1955 और 2009 में कानून के अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत आदेश के तत्काल कार्यान्वयन के लिए इस आशय की एक अधिसूचना जारी की। हालांकि सरकार ने 2019 में लागू संशोधित नागरिकता कानून के तहत नियमों को अभी तक तैयार नहीं किया है। गृह मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है कि नागरिकता कानून 1955 की धारा 16 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार ने कानून की धारा 5 के तहत यह कदम उठाया है। इसके अंतर्गत उपरोक्त राज्यों और जिलों में रह रहे अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिक के तौर पर पंजीकृत करने के लिए निर्देश दिया गया है। अधिसूचना में कहा गया है कि भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। जिलाधिकारी या सचिव जरूरत पड़ने पर मामलों के हिसाब से आवेदन की जाँच कराएंगे। आपको बता दें कि साल 2019 में जब CAA लागू हुआ तो देश के विभिन्न हिस्सों में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुआ और इन्हीं विरोध प्रदर्शनों के बीच 2020 की शुरुआत में दिल्ली में दंगे हुए थे। CAA के मुताबिक बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में दमन के शिकार ऐसे अल्पसंख्यक गैर मुसलमानों को नागरिकता प्रदान की जाएगी जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत आ गए थे। रुक करते अगली खबर की ओर। कोरोना वायरस महामारी के इलाज में इस्तेमाल होने वाले सामानों, दवाइयों और वैक्सीन पर फिलहाल GST लगती रहेगी। इस मुद्दे पर कल हुई GST काउंसिल की बैठक बेनतीजा रही। इस मसले पर चर्चा के लिए एक मंत्री समूह यानी GOM का गठन किया गया, जिसे 8 जून तक अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अध्यक्षता में हुई काउंसिल की बैठक में कोरोना के इलाज से जुड़े सामानों और वैक्सीन पर GST दरें कम करने को लेकर विस्तृत चर्चा की है। कई राज्यों ने इसमें कमी किए जाने से लेकर इसे GST मुक्त किए जाने तक की मांग की। इनमें ज्यादातर गैर BJP शासित राज्यों के वित्त मंत्री थे। हालांकि मामले उठा है कि GST दरें कम करने या बिल्कुल खत्म करने के फैसले से आम लोगों को फायदा होगा या इस छूट का फायदा केवल अस्पतालों को ही मिलेगा। ऐसे में किसी सहमति पर पहुंचने के लिए 1 जून मंत्री समूह बनाया गया है जो 8 जून तक अपनी रिपोर्ट देगा, जिसके बाद काउंसिल कोई अंतिम फैसला करेगा। हालांकि बैठक में एक राहत भरा फैसला जरूर लिया गया है। कोरोना के इलाज से जुड़े सामानों के आयात पर 3 मई से जारी आयात शुल्क में छूट की अवधि 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। पहले यह छूट 31 जुलाई तक थी। अब इस छूट में ब्लैक फंगस के इलाज से जुड़ी दवाइयां भी शामिल कर ली गई हैं। एक और बदलाव भी किया गया है, और अब अगर कोई संस्था या NGO बाहर से कोई सामान मंगाकर उसे मुफ्त बांटता है तो भी उसे आयात शुल्क से छूट मिलेगी। पहले यह सुविधा तभी मिलती अगर बाहर से आया सामान मुफ्त हो। बैठक में राज्यों को मुआवजा में हो रही देरी और GST रिटर्न फाइल करने में हो रही परेशानी पर भी चर्चा हुई। रिटर्न फाइल करने के लिए कई राहतों का फैसला लिया गया है। वहीं कोरोना महामारी के बीच आए यास तूफान ने बिहार की राजधानी पटना में रहने वाले लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। लगातार हो रही बारिश की वजह से कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। सड़कों पर पानी भर जाने की वजह से आम लोगों को परेशानी हो रही है। वहीं इस जल जमाव पर सियासत शुरू हो गई है।
इसी क्रम में लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव और बेटी रोहिणी आचार्य ने बीजेपी सांसद और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील मोदी पर निशाना साधा है और हसनपुर विधायक तेज प्रताप यादव ने ट्वीट कर बीजेपी नेता पर तंज कसा है, सभा सांसद पर हमला बोला है। आपको बता दें कि यास की वजह से हो रही बारिश ने राजधानी का हाल बदहाल कर दिया है। आपको बता दें कि पटना के जिन इलाकों में फिलहाल जल जमाव की समस्या है उनमें लालजी टोला, राजेंद्र नगर का रोड नंबर 1, कंकरबाग से कुछ इलाके और जंगपुन के थाना क्षेत्र के कुछ इलाके शामिल हैं। वहीं अस्पतालों में एनएससीएच और जयप्रा अस्पताल भी शामिल है। मालूम हो कि दोनों ही अस्पताल कोविड डेडिकेटेड है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी की नेटवर्थ एक दिन में 4.6 अरब डॉलर यानी कि 33,301 करोड़ रुपए बढ़ गई है। आरआईएल ने शेयर में करीब 6% तेज आई है। वहीं इससे मुकेश अंबानी की संपत्ति में इजाफा देखने को मिला है। इस इजाफे के बाद अंबानी की नेटवर्थ 81.7 अरब डॉलर पहुंच गई है। फोर्ब्स रियल टाइम्स बिलियनियर की ताजा सूची के मुताबिक वह दुनिया के अमीरों की लिस्ट में 12वें स्थान पर बने हुए हैं। एशिया में वह पहले स्थान पर है और उनकी स्थिति और मजबूत हुई है। चीन के जोंग शानशान 71.6 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ एशिया में दूसरे और दुनिया में 14वें पोजीशन पर है। रिलायंस के शेयरों में करीब 6% तेजी आई है। आपको बता दें कि रिलायंस के शेयर 16 सितंबर 2020 को 2,350 के करीब थे, वही रिकॉर्ड स्तर पर भी पहुंचा था। तब रिलायंस का मार्केट कैप 16 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया था। इसके साथ ही अंबानी की नेटवर्थ 90 अरब डॉलर पहुंच गई थी और वह दुनिया के अमीरों की सूची में 4थे स्थान पर आ गए थे। लेकिन इसके बाद शेयरों में गिरावट से अंबानी टॉप 10 से बाहर हो गए थे। बढ़ते अगली खबर की ओर। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान हरिद्वार में कुंभ के आयोजन को लेकर सवाल उठने लगे हैं। इसी बीच उत्तराखंड सरकार ने दावा किया था कि कुंभ में 3 प्रमुख दिनों में 39 लाख लोगों ने हर की पौड़ी और अन्य घाटों पर गंगा स्नान किया था। सरकार ने आधिकारिक तौर पर बताया था कि 12 से 14 अप्रैल के दौरान 3 दिनों में कुल 49 लाख लोगों ने गंगा स्नान किया था। वहीं अब राज्य सरकार और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने विस्तृत समीक्षा के बाद आंकलन किया है कि उपस्थिति का आंकड़ा लगभग 70% कम था। एक अनुमान के मुताबिक इन 3 दिनों में 15 लाख लोगों ने ही डुबकी लगाई थी। आपको बता दें कि उत्तराखंड हाई कोर्ट ने एक सुनवाई के दौरान कुंभ के आयोजन को गलती करार दिया था। इस बारे में कुंभ मेला पुलिस महानिरीक्षक संजय गुंजियाल ने बताया कि 12 अप्रैल को केवल 21 लाख लोगों की भीड़ थी, 13 अप्रैल को करीब 3 लाख और 14 अप्रैल को करीब 12 लाख लोगों की भीड़ थी। यह आंकड़ा सरकार की तरफ से पहले दिए गए आंकड़े से काफी कम है। दरअसल अप्रैल में कहा गया था कि 12 अप्रैल को 31 लाख से अधिक लोगों ने गंगा स्नान किया, जबकि 13 अप्रैल को 4.5 लाख और 14 अप्रैल को 13.5 लाख लोगों ने डुबकी लगाई। इस तरह से इन 3 दिनों में 49 लाख लोगों ने डुबकी लगाई थी। देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर धीरे धीरे सुस्त पड़ती जा रही है। देश के ज्यादातर राज्यों में नए कोरोना मामलों में कमी आई है। हालांकि राष्ट्र स्तर पर मौतों की संख्या में उतार चढ़ाव भी अभी जारी है। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,71,000 केस सामने आए हैं, जो लगातार दूसरे दिन 2 लाख से कम मामले हैं। वर्ल्डरोमीटर के अनुसार पिछले 24 घंटे में भारत में 1,71,726 नए केस सामने आए हैं, जबकि 3500 से अधिक कोरोना मरीजों की मौत हुई है। हालांकि लगातार नए मामलों की तुलना में मरीजों के ठीक होने की दर यानी रिकवरी रेट में बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 2 दिनों में कोरोना संक्रमण की ऑल इंडिया रिपोर्ट के आंकड़े महामारी के घटते प्रकोप का संकेत है। जिन राज्यों में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान
संक्रमण की सुनामी आई, अब उन राज्यों में राहत की खबर आ रही है। देश का महाराष्ट्र राज्य कोरोना महामारी से सबसे अधिक प्रभावित रहा है, लेकिन अब कोरोना मरीजों का ग्राफ गिरता दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 20,740 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 424 मरीजों ने दम तोड़ा है। इस दौरान 31,671 कोविड मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं दूसरी लहर में पहली बार मुंबई में 1,000 से कम नए केस सामने आए हैं। मुंबई में 929 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि 30 मरीजों की मौत हुई है। मुंबई में देर रात एक बड़ा हादसा हो गया है। उल्हासनगर जिले में एक रिहायशी इमारत की स्लैब गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई और लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक साई सिद्धि बिल्डिंग में 5वीं मंजिल से स्लैब सीधा ग्राउंड फ्लोर पर आ गिरा। हादसे को लेकर नगर निगम का कहना है कि मलबे में फंसे लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। यह हादसा शुक्रवार रात करीब 9 बजे का है। वहीं 5वीं मंजिल का स्लैब नीचे गिरा और चौथी, तीसरी, दूसरी और पहली मंजिल की छत को तोड़ते हुए नीचे आ गिरा। हादसे के वक्त 5वीं मंजिल पर कई लोग मौजूद थे। वहीं राहत की बात ये रही कि दूसरे किसी और मंजिल पर लोग नहीं थे। अब तक 7 शवों को मलबे से निकाला जा चुका है। आपको बता दें कि इस बिल्डिंग को सील कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि अभी 3-4 लोग और फंसे हो सकते हैं। वहीं नगर निगम का बचाव अभियान जारी है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारी फायर ब्रिगेड टीम के साथ घटना स्थल पर हैं। ये मलबे में फंसे लोगों को निकालने में लगे हुए हैं। इस इमारत में कुल 29 फ्लैट्स हैं। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक इस बिल्डिंग में 26 परिवार रहते थे। रुक करते अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र के बारामती के सांगवी गांव में दहेज न देने पर बहू को मार देने का मामला सामने आया है। मायके वालों ने आरोप लगाया है कि ससुराल वाले अक्सर उनकी बेटी पर दहेज लाने का दबाव बना रहे थे, लेकिन जब दहेज नहीं मिल सका तो उनकी बेटी को जहर देकर मार डाला गया। लड़की की मौत से गुस्साए मायके वालों ने ससुराल के घर के आंगन में ही अंतिम संस्कार कर दिया। इस मामले में बारामती तालुका पुलिस थाने में केस दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें कि 21 साल की गीतांजलि की शादी साल भर पहले ही सांगली गांव के अभिषेक तावरे से हुई थी। 24 मई को ही दोनों की शादी की पहली सालगिरह थी। उसके कुछ दिन बाद पति ने गीतांजलि के रिश्तेदारों को फोन कर जानकारी दी उसने जहर खा लिया। गीतांजलि को तत्काल बारामती के निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया और आगे की जाँच के लिए उसे पुणे में एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वही इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। फिलहाल के लिए इतना ही। देश में की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।